हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं श्री भृगु उर्वल्स, मेरा नाम है निखिल भार्गव। दोस्तों, व्लॉग्स स्टार्ट हैं। योग, जितने भी पुराने योग हैं, जो जितने भी बरसों पुराने जो कॉम्पोजिशन हैं, उनके बारे में मैं आपको अपने व्लॉग्स में बता रहा हूँ, जिससे आपको नॉलेज मिले कि ऐसे योग भी हैं कि आप बड़े से बड़ा, जटिल से जटिल रोग आसानी से क्योर कर सकते हैं। तो उन सभी योगों के बारे में आप इन व्लॉग्स में जान सकते हैं कि आपको कोई भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, आप उन योग से उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आज का ब्लॉग फोकस है दोस्तों, सिद्ध संजीवनी वटी। तो वटी यानी टैबलेट, तो टैबलेट फॉर्म में ये आता है। आज हम इस ब्लॉग में जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं, कैसे प्रयोग करना है, कौन कौन ले सकता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे ब्लॉग्स हैं और जिन बारे में मैं भी आपको बताता हूँ, जितने भी प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ, वो सभी मेरे पास अवेलेबल हैं। आप मेरे से परचेज कर सकते हैं। मेल ग्रूमिंग और फीमेल ग्रूमिंग के सभी प्रोडक्ट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। आप जो भी चीज़, चाहे आयुर्वेदिक शैम्पू हो या आयुर्वेदिक सोप हो या आयुर्वेदिक का जो भी कॉम्पोजिशन आपको लेना, आप मेरे से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। मेरे पास वर्ल्ड वाइड शिपिंग है। दुनिया में आप कहीं पे भी हो, मैं आपको सप्लाई दे सकता हूँ। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले डलता है शुद्ध कुचला, फिर डलता है दोस्तों इसमें केशर, केशर जो आता है अपना, फिर दालचीनी, पीपल, लौंग, जायफल, जावित्री, काली मिर्च, चांदी का वर्क, अकरकरा, कपूर, सोने का वर्क और आखिर में कस्तूरी। ये सब इनके इंग्रेडिएंट्स हैं दोस्तों। सिद्ध संजीवनी वटी का ये इंग्रेडिएंट्स है। ये सभी चीज़ें इसमें डलती हैं। इसके अलग अलग अनुपात हैं, अलग अलग मेजरमेंट है, अलग अलग स्केल है, जिससे ये कॉम्पोजिशन तैयार होता है। सिद्ध संजीवनी वटी का पूरा कॉम्पोजिशन मेरे पास है और जितने भी मैं आपको क्लासिकल कॉम्पोजिशन बता रहा हूँ, उन सभी का बनाने का प्रोसेस मेरे पास है। तो आप चाहते हैं कि आप उस चीज़ के बारे में मैं ब्लॉग बनाऊँ, तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं उसका पूरा डिटेल ब्लॉग बनाऊँगा कि आपको कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, वो सब मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, ये इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे सिद्ध संजीवनी वटी बनती है। अब जानते हैं कि सिद्ध संजीवनी वटी के आपके फ़ायदे क्या हैं, यानी आपके शरीर पे उसका क्या असर है, आप उसमें किन बीमारियों में ले सकते हैं। सो दोस्तों, सिद्ध संजीवनी वटी आपके सबसे पहले कीटाणु ख़त्म करती है। अंदर के जो वॉर्म्स होते हैं, यानी इंसेक्ट्स होते हैं, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, उन सभी कीटाणुओं को ये साफ़ कर देता है। आपके पाचन तंत्र को कंप्लीट करता है, बढ़ाता है। और देखिए दोस्तों, इसमें एज फैक्टर है। जैसे आप सिद्ध संजीवनी वटी कब दिया जाता है, जब आपका बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो, मल सूखा जा रहा है, यानी आपको स्टूल टाइट जाता है, ब्लैक स्टूल जाता है और आपकी इंटेस्टाइन में दिक्कत है, आपके इंटेस्टाइन कवर नहीं हो रहा है, रिकवरी नहीं हो रही उनकी, तब आप इसको ज़रूर ले सकते हैं। टैबलेट फॉर्म में आता है। इसको आप एक एक गोली सुबह शाम दूध से ले सकते हैं। इनडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन में इसको आप दूध से ले सकते हैं। और दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा वात शामक है, यानी जिनका वातीय शरीर होता है, जो एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप होते हैं। आपको अगर बॉडी टाइप जानने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि आपका बॉडी टाइप क्या है, तो उस वीडियो को भी आप चेक करिएगा दोस्तों, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो एंडोमॉर्फ अगर बॉडी टाइप है आपका या वादीला शरीर है, तो उस पर ये सिद्ध संजीवनी वटी बहुत अच्छा काम करता है, आपके सभी रोगों को क्लियर करता है। और सबसे बड़ा बात ये है ओल्ड कॉम्पोजिशंस का, यानी क्लासिकल कॉम्पोजिशन का सबसे अच्छा बात ये होता है कि वो त्रिदोष नाशक होते हैं। त्रिदोष नाशक एज इन के वात, पित्त, कफ, तीन तत्व होते हैं आपके शरीर में, तो इन सभी को बैलेंस रखने में ये आपकी सबसे ज़्यादा मदद करता है। तो सिद्ध संजीवनी वटी बहुत से रोगों पे काम करता है, सबसे ज़्यादा ये आपके पाचन तंत्र को और वात, पित्त, कफ और वात शामक है, यानी जितना भी बादीला शरीर है जिसका, उसको उसकी वात को ख़त्म करता है, उसके वात को शामक करता है। और जिनका बादीला शरीर है या जो एंडोमॉर्फ है, उनमें फैट भी बहुत जल्दी घटाता है दोस्तों। ये फैट बर्नर है उन लोगों के लिए जिनका बॉडी टाइप एंडोमॉर्फ है। अब बात करते हैं इसका इंटेक, इसको आपको लेना कैसे है और कब लेना है। सिद्ध संजीवनी वटी को दोस्तों आप सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं, और मैं रिकमेंड करूंगा आपको पर्सनली, अगर मेरे से पूछते हैं, तो ये सभी रसायनों को, ये जितने भी क्लासिकल कॉम्पोजिशन है, इनको रात में लेना चाहिए, और वो भी दूध से। दूध में केसीन, प्रोटीन प्लस लैक्टोज होते हैं, जो हर एक दवाई की गुणवत्ता को बढ़ाता है।
दूध भी बढ़ाता है और शहद भी बढ़ाता है, पर कॉम्पोजिशन के साथ आपको दूध लेना है इस कॉम्पोजिशन के साथ। तो आप दूध लीजिए, एक गोली काफ़ी है रात को सोते समय। सोते समय इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि सोते समय आपकी बॉडी रिकवरी मोड में रहती है, तो जितनी भी रिकवरी होती है वो सोते समय ही होती है। इसलिए कहा जाता है कि आपको कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए, जिससे आपका जितना भी बॉडी का ब्रेकडाउन हुआ है या आपको जितनी भी क्षति पहुंची है, तो उसका रिकवरी अच्छे से हो। तो रात को सोते समय एक गोली दूध से ले सकते हैं, मीठा दूध हो फीका दूध हो उससे कोई संबंध नहीं, आपको दूध इसके साथ हर हालत में लेना है। सिद्ध संजीवनी वटी दूध से ही जाएगा, रात को सोते समय एक गोली। तो दोस्तों ये व्लॉग था सिद्ध संजीवनी वटी के ऊपर, मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। ऐसे ही बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं दोस्तों, और मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से हाथ जोड़ के कि आपको जो भी प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट्स करिए, मैं उसके बारे में व्लॉग जरूर बनाऊंगा। और अगर आप कमेंट्स नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। आपकी जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है आपको, आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, आई होप यू गाइज लाइक वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर मच अगेन विद फैमिली फ्रेंड्स। तब तक के लिए।